यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द करके योगी सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी। पेपर लीक के दावों के बाद लाखों अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम कराने की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उसके माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं की शुचिताओं से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिस में लिखा है कि दिनांक 17 व 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पेपर रद्द करने के साथ ही यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर 6 महीने के अंदर पूरे शुचिता के साथ दोबारा कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा परीक्षार्थियों से परीक्षा के लिए आने जाने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आदेश में लिखा है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए सम्पन्न नहीं हो पाती। जो भर्ती हो गई हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, वो आज सवालों के घेरे में। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई, उसका पेपर लीक हो जाता है, नौजवान धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार को झुकना पड़ता है और पुलिस भर्ती की परीक्षा को रद्द कर देना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह से असफल रही है। एक भी पेपर बिना पेपर लीक हुए संपन्न कराने में पूरी तरह से असफल रही है। उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों को अब भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में अभ्यर्थी पहले दिन से सड़कों पर परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों के पेपर लीक दावों और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने अभ्यर्थियों से पेपर लीक की शिकायतों पर सबूत के साथ आपत्तियां मांगी थी। भर्ती बोर्ड ने शुक्रवार की शाम 6 बजे तक अभ्यर्थियों की शिकायतों को लेकर सबूतों को साबित करने वाली आपत्तियां प्रत्यावेदन मांगे थे। इस पर बोर्ड को लगभग 1,500 शिकायतें भर्ती बोर्ड को ऑनलाइन प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर कई सुरक्षा इंतजाम किए थे, बावजूद इसके जालसाज सेंधमारी में कामयाब हो गए। सभी परीक्षा केंद्रों पर छोटे छोटे जैमर लगाए गए थे ताकि जैमर के चलते कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां पर काम ना कर सके। सभी परीक्षा केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए थे। अभ्यर्थियों की आंखों की रेटिना से उसके फोटो का मिलान और बायोमेट्रिक भी मिलान किया गया था। इसके बाद भी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर एंट्री दी गई थी। बता दें कि यूपी पुलिस सिपाही पद पर कुल 60,244 रिक्तियों को भरने के लिए 17 और 18 फरवरी को प्रदेश भर में आयोजित की गई परीक्षा में 48,00,000 से ज्यादा उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 दिन की 4 पाली में हुई इस भर्ती परीक्षा में 17 और 18 फरवरी की दूसरी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ। 18 फरवरी की शाम 3 से 5 की पाली में हुए प्रश्न पत्र तमाम अभ्यर्थियों के पास और कोचिंग टीचर्स के पास पहले ही पहुंच गए थे, जिसे लेकर शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर उस समय पोस्ट भी लिखी कि पेपर लीक होने की बात सामने आई है। अभी हम लोगों ने एक बच्चे के थी, उसके क्रम में एप्लीकेशन आए हैं मेल से, उसकी काउंटिंग, सॉर्टिंग और फिर उसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। जब परीक्षण हो जाएगा तो फिर मिलेगा। मैम, स्टूडेंट्स आए थे 7 सदस्य, उनको क्या आश्वासन दिया हमने? नहीं, उनका ज्ञापन ले लिया, जैसे कह रहे हैं ज्ञापन दिया था तो उनका ज्ञापन हमने ले लिया, उसको भी परीक्षण में डाल दिया। तो कहाँ ये विवाद कहाँ है मैम? पेपर लीक वाले मामले पे जो इतना बवाल है, उसी के लिए तो मेल मंगवाया है हम लोगों ने। जी जी, मेल आ गए हैं, उसका परीक्षण कर रहे हैं, जैसे परीक्षण हो जाएगा तो ये मेल किससे संबंधित? उसी अनियमितता से। चल ठीक।